हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। इससे पिछली वीडियोस के अंदर हमने द लिविंग वर्ड चैप्टर की कुछ बेसिक बेसिक चीज़ों को समझा था। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज किसे बोलते हैं, टैक्सन किसे बोलते हैं, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन से क्या मतलब है। तो आज इन कैटेगरीज के बारे में वन बाय वन जो एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन दे रखी है उसे एक बार थोड़ा समझ लेते हैं कि अगर एनसीईआरटी की लाइन से सवाल आता है तो हम कैसे उसे सॉल्व करें। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था कि जो कैटेगरीज हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है, जैसे कि किंगडम, फिर फाइलम। फाइलम एनिमल्स के लिए आता है, प्लांट्स के लिए लफ्ज़ डिवीज़न आता है, उसके बाद फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीशीज। इसमें जो रियल एग्जिस्टेंस है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का वो केवल स्पीशीज़ है, बाकी सब सिमिलर ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स हैं जो कि आपको अलग अलग लेवल पर नज़र आते हैं। पिछली क्लास में हमारी ये बात भी हुई थी कि सिमिलर ऑर्गन जो कि एक साथ रहते हैं और बच्चे पैदा करते हैं वो कहलाते हैं स्पीशीज़। और यही डेफिनेशन पहली बार अर्नेस्ट मेयर ने दुनिया वालों के सामने रखी थी, जिसको कि बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट बोला जाता है। देखते हैं एनसीईआरटी में क्या बताया गया स्पीशीज के बारे में। टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज अ स्पीशीज। एनसीईआरटी की लाइन से यह सवाल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज आर नोन एज, आप आंसर लगा देंगे स्पीशीज। ठीक है, वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। यानी कि आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप एक स्पीशी को दूसरी स्पीशी मॉर्फोलॉजिकली पहचान सकें, डिस्टिंक्ट कर सकें। लेट अस कंसीडर मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू। मैंगीफेरा इंडिका आप जानते हैं मैंगो, एंड पैंथेरा लियो ये लॉयन। ऑल द थ्री नेम्स इंडिकेट इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट। सेकेंड वाला नाम स्पेसिफिक एपिथेट ही होता है, वाइल द फर्स्ट वर्ड मैंगीफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा आर जेनर, और पहला वाला नाम जीनस नेम या जेनर होता है एंड रिप्रेजेंट्स अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सन और कैटेगरी। ई जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट, एक जीनस में एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं, जैसे पैंथेरा लियो भी होता है, पैंथेरा टिग्रिस भी होता है, पैंथेरा पार्डस भी होता है, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज। लेकिन हाँ, जैसे लॉयन, टाइगर, लेपर्ड में कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटीज हैं जो कि उन्हें बिल्कुल डॉग से, एलिफेंट से अलग दिखाती हैं। फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस, एंड सोलेनम इंक्लूड स्पीशीज लाइक निग्रम, सोलेनम निग्रम मको, और ऐसे ही आगे जिक्र करेंगे, सोलेनम मेलोंगेना बैंगन ब्रिंजल। ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीशीज सेपियंस विच इज ग्रुप इन टू द जीनस होमो, और ये सेपियंस स्पीशी जीनस होमो के साथ आता है, इसलिए हम लोगों को होमो सेपियंस बोला जाता है। नाइन्थ टेंथ क्लास से आप सुन रहे हैं, द साइंटिफिक नेम फॉर ह्यूमन बींग इज रिटन एज होमो सेपियंस। ठीक है, फंडामेंटल सिमिलरिटीज वाली लाइन जो है वो एक ठीक सा सवाल है स्पीशीज की डेफिनेशन पर। अब रिलेटेड स्पीशीज को रख दिया जाएगा एक कॉमन जीनस के अंदर, नेक्स्ट हायर कैटेगरी। जीनस कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा। तो एक सवाल यहाँ से बनता है कि अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज इज नोन एज जीनस, ये वो पूरी लाइन लिख देगा, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा, तब आप आंसर लगा देंगे जीनस। वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ये भी सवाल आ चुका है कि द एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज इज नोन एज, आप आंसर लगा देंगे जीनस। वैसे ये आपके एग्जाम में भी डेफिनेशन लिखी जा सकती है अगर आप 11th रेगुलर स्टूडेंट हैं, कि द एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज नोन एज जेनरा। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू, सोलेनम मेलोंगेना ब्रिंजल। लॉयन पैंथेरा लियो, लेपर्ड पैंथेरा पार्डस, टाइगर पैंथेरा टिग्रिस विद सेवरल कॉमन फीचर्स और आर ऑल स्पीशीज ऑफ द जीनस पैंथेरा। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड्स कैट्स। तो ये बताना चाह रहे हैं कि ये जीनस दूसरे जीनस जैसे फेलिस जिसमें कैट आती है उससे अलग है। एक जीनस और भी है कैनिस डॉग, वो भी बिल्कुल अलग है ना।
फैमिली. द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा. अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा अगर पूछा जाए तो आप आंसर लगा देंगे फैमिली, है ना. सीक्वेंस से चलेंगे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. क्वेश्चन अगर स्पीशी का है, स्पीशीज स्टार्ट हो रहा है, रिलेटेड स्पीशीज किस में रखा जाएगा, बोलें कॉमन जेनेरा में. कॉमन जेनेरा किस में रखा जाएगा, तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, तो आप बोलेंगे फैमिली के अंदर. वही लाइन, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा किस में रखा जाएगा, फैमिली में. यह हो सकता है पूरा सेंटेंस लिखे हो, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज, तो आंसर आप लगा देंगे फैमिली. विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज कैसे बोलना है, क्योंकि जैसे जैसे आप किंगडम से स्पीशी की तरफ बढ़ेंगे तो वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ते चले जाएंगे, है ना. जैसे कि एनिमल किंगडम में अर्थफॉर्म को ही पढ़ते हैं और एनिमल किंगडम में आप लॉयन को ही पढ़ते हैं, कितना फ़र्क है दोनों के अंदर. लेकिन लॉयन टाइगर में काफ़ी सिमिलैरिटी है क्योंकि दोनों का जीनस सेम है. जैसे जैसे आप नीचे वाली कैटेगरी तरफ आएंगे वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टर बढ़ते चले जाएंगे. फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज. ये लाइन आप जब मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर फैमिली आपके सिलेबस में सोलनेसी इस बार 11th क्लास में, तो आप देखेंगे फैमिली जब हम पढ़ते हैं तो उनके वेजिटेटिव फीचर भी देखते हैं, उनका स्टेम कैसा है, रूट कैसा है, लीफ कैसा है, और उनके फ्लोरल फीचर्स भी देखते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि उनके अंदर इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, सेपल्स का अरेंजमेंट कैसा है, पेटल्स कितने हैं, क्या अरेंजमेंट है, स्टैमिन, कार्पल, ये सब फ्लावर के फीचर्स भी देखे जाते हैं, प्लांट के फीचर भी देखे जाते हैं, वेजिटेटिव फीचर भी देखे जाते हैं, फ्लोरल फीचर्स भी देखे जाते हैं. ये एनसीईआरटी की लाइन सवाल बन सकता है कि फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज. ठीक है. अमंग प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल थ्री डिफरेंट जेनेरा सोलनम, पेटूनिया एंड धतूरा आर प्लेस इन द फैमिली सोलनेसी. तो एक ये लाइन आप याद कर लें कि फैमिली सोलनेसी में कौन कौन से प्लांट है. तीन नाम, वैसे तो बहुत एग्जाम्पल, तीन नाम लिखे हैं, सोलनम, पेटूनिया और धतूरा. तो सोलेनम, पेटूनिया और दतूरा, इन तीनों प्लांट्स को रखा गया फैमिली सोलनेसी के. ठीक है. अमंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा कंप्राइजिंग लॉयन, टाइगर, लेपर्ड इज पुट अलॉन्ग विद द जीनस फेलिस कैट्स इन द फैमिली फेलिडा. तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझाया गया फैमिली फेलिडा के अंदर ये सारे जीनस आ जाते हैं, जैसे कि पैंथेरा जिसमें कि सारे ये लॉयन, टाइगर, लेपर्ड आ जाएंगे, और इसके अलावा दूसरा जीनस आ जाता है इसमें फेलिस, और फेलिस का मतलब क्या है, कैट, और ये कौन सी फैमिली आ जाते हैं, फैमिली फेलिडा. ऐसी एक और फैमिली है कैनेडा, उसमें आ जाते हैं डॉग, है ना. तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, तो ऑर्डर रहेगा कार्निवोरा, उसमें ये दोनों फैमिली आ जाएंगी, फेलिडा, कैनेडा और ये पैंथेरा. सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ अ कैट एंड डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटीज एंड सम डिफरेंस एज वेल. दे सेपरेट इनटू टू डिफरेंट फैमिलीज, फेलिडा यानी कि कैट की फैमिली हो गई, एंड कैनेडा, कैनेडा ये डॉग की फैमिली हो. ठीक है ना. तो फैमिली फेलिडा और कैनेडा दोनों के ऑर्डर आ जाएगा कार्निवोरा. ठीक. यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीशीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स. जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स. ये भी अब एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स पर ही बेस्ड है. Order being a higher category is the assemblage of families which exhibit a few similar characters. ये assemblage है families का जिसके अंदर कुछ characters आपको similar नजर आएंगे. The similar characters are less in compared as to different genera included in a family. जाहिर सी बात है जैसे जैसे आप higher category तक जाओगे तो similar characters कम होते चले जाते हैं. Plant like families like Convolvulaceae and Solanaceae are included in the order Polymonias. ऑर्डर पॉलीमोनियल्स के अंदर फैमिली आ जाएंगी सोलनेसी और कॉनवोल्वुलेसी. सोलनेसी के अंदर सोलनम, पेटूनिया, धतूरा, ऑर्डर पॉली. तो यहां से बहुत दफा सवाल नीट एग्जाम में बन चुका है कि प्लांट फैमिलीज लाइक सोलनेसी एंड कॉनवोल्वुलेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स. ये पूरी लाइन आप याद कर ले, आपके एग्जाम में काम आएगी. द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिली लाइक फेलिडा एंड कैनिडा. तो ऐसी एनिमल्स के अंदर ऑर्डर कार्निवोरा में फैमिलीज आ जाएंगी फेलिडा, कैट वाली, और कैनेडा यानी कि डॉग वाली. ठीक है ना. उसके अलावा पैंथेरा भी आ जाएगा इसके अंदर. क्लास, दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स. तो रिलेटेड ऑर्डर्स को किस में रख देते हैं, क्लास के अंदर. वही आप हायरार्की की एक बात याद कर लें, जहां क्वेश्चन होगा उसके ऊपर वाला उसका आंसर हो जाता है.
फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग, ऑर्डर प्राइमेटा के उन्होंने बताया इसमें मंकी गोरिल्ला गिब्बन ह्यूमन बींग्स सब आ जाएंगे, मंकी गोरिल्ला गिब्बन ह्यूमन बींग्स भी आर प्लेस इन द क्लास ममेलिया अलॉन्ग विद अदर ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर। तो यहाँ पर ये बात समझाना चाह रहे हैं ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर ये सब भी आ जाते हैं, मंकी गोरिल्ला गिब्बन क्लास ममेलिया वाले भी और कार्निवोरा वाले भी, ठीक है ना। इसमें कार्निवोरा में टाइगर कैट डॉग ये सब आ जाते हैं, क्लास ममेलिया हैज़ अदर ऑर्डर्स ऑल्सो, इसमें इसमें और दूसरे भी हैं जिसका यहाँ पर ज़रूरत नहीं याद करने। फाइलम क्लास क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेज एम्फीबियन रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल्स कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड द फाइलम। ये सब के सब क्लासेस जो हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल फिशेज एम्फीबियन रेप्टाइल बर्ड्स और मैमल्स, जब आप एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप सुनेंगे कि इधर फाइलम कॉर्डेटा के अंदर तीन सब फाइलम है, यूरो कॉर्डेटा सेफेलो कॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर फिर आप पढ़ेंगे दो डिवीज़न है एग्नेथा और गिनेथा स्टोमेटा, और गिनेथा स्टोमेटा के अंदर फिर दो सब सुपर क्लास है, एक पिसेस और एक टेट्रापोडा। फिर उसके अंदर क्लासेस है जैसे पिसेस में कॉस्ट ऑन कार्टेज वाली मछलियाँ कॉन्ट्रेक्टिस और ऑस्ट्रिक्थिस, और इधर टेट्रापोडा में एम्फीबिया रेप्टिलिया एज और ममेलिया। इधर एग्नेथा के अंदर एक क्लास आ जाएगी साइक्लोस्टोमेटा। तो इधर सब फाइलम वर्टिब्रेटा में टोटल 7 क्लासेस। अभी शायद सुनने में आपको अच्छा ना लगे, जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। असल में सब ये टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है, किसी चैप्टर के अंदर कोई लाइन आप पढ़ते हैं वो किसी दूसरे चैप्टर में लाइन दिख जाती है। तो ये वाली लाइन यहाँ पर इतनी अच्छी नहीं लगी पढ़ते, लेकिन एनिमल किंगडम का वो पूरा चार्ट पढ़ेंगे कॉर्डेटा वाला, वहाँ आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है कैटेगरी, और ये सब के सब कौन सी कैटेगरी में आ जा रहे हैं, फाइलम में। असल में जैसे फाइलम कॉर्डेटा में ये सब के सब है, तो ये सब के सब वर्टिब्रेटा के अंदर है ना। तो वर्टिब्रेटा सब फाइलम है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, फिर फाइलम कॉर्डेटा के अंदर है। ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर लाइक प्रेजेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूड द फाइलम कॉर्डेटा। वही कॉर्डेटा के दो पॉइंट लिख दिए, और भी पॉइंट्स हैं इसके अंदर, पोस्ट एनल टेल भी होती है, पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स भी होते हैं, डॉर्सल साइड में नर्व कॉर्ड भी होती है, नोटोकॉर्ड भी होती है, तो वही सब न्यूरो सिस्टम ने लिख दिया, वही वाली बात। इन केस ऑफ प्लांट्स क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर आर असाइन्ड टू हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। पहले हमारी बात हो चुकी है किंगडम से नीचे होता है फाइलम, फाइलम लफ्ज आता है एनिमल के लिए, और प्लांट्स के लिए सीधा लफ्ज आता है डिवीजन, है ना। तो प्लांट्स के लिए क्या लफ्ज रहता है, डिवीजन। नेक्स्ट एक हायर सबसे हायर कैटेगरी यानी कि किंगडम। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन टू हाइएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स एंड किंगडम। प्लांटी ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइज ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिविजन्स, हैंस फोर्थ वी विल रिफर टू दीज टू ग्रुप्स एज एनिमल एंड प्लांट किंगडम्स। द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम हैव शोन इन असेंडिंग ऑर्डर, जैसे कि इन्होंने दिखा रखा है ना, हम पहली बात कर चुके हैं इसके बारे में, असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विद स्पीशीज। दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज, हाउ एवर टेक्सोनॉमिस्ट हैव ऑल्सो डेवलप सब कैटेगरीज इन दिस हायरार्की टू फैसिलिटेट मोर साउंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टैक्सा, जो आप इनके चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लुक एट द हायरार्की इन फिगर वन, फिगर वन बाई वन, कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट्स। से फॉर एग्जाम्पल एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे ही आप स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, हायर कैटेगरी तरफ मूव करेंगे, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कम होने लगती है ना। देख लेते हैं इस लाइन को एक बार, ये वाली लाइन से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे कि आप हायर कैटेगरी तक मूव करें, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कम होती चली जाती है। ऐसे ही आप हायर कैटेगरी से लोअर की तरफ मूव करेंगे तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ती चली जाती है। लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सन शेयर, है ना। हायर द कैटेगरी ग्रेटर द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। जैसे जैसे आप हायर कैटेगरी तक मूव करते चले जाएंगे तो दूसरे एनिमल्स के साथ रिलेशन पता करने में थोड़ी दिक्कत होगी, कैरेक्टर बहुत डाइवर्स होते चले जाएंगे ना। जैसे जैसे आप लोअर टैक्सा की तरफ आएंगे तो फिर वो सिमिलर फीचर मिलने लगेंगे, जैसे कि पैंथेरा है तो फिर लॉयन टाइगर और लेपर्ड में वो काफ़ी सिमिलरिटी मिल जाती है। तो इधर एक लाइन समझाएगी, हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल।
तो जैसे जैसे कैटेगरी की तरफ आप ऊपर की साइड मूव करेंगे तो थोड़ी डिफिकल्टी होगी रिलेशनशिप डिटरमाइन करने में अदर टैक्सा के साथ एट द सेम लेवल, हैंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। खैर कुल मिला के इस पूरे पॉइंट के अंदर जो बात समझाई गई थी कि आप जैसे जैसे लोअर से हायर कैटेगरी की तरफ जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स घटती चली जाती हैं डिक्रीज, और आप हायर से लोअर की तरफ आएंगे तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन इंक्रीज। एक यहाँ एनसीईआरटी में चार्ट दिया हुआ जिससे नीट एग्जाम बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, आपको बिना देखे पूरा चार्ट रट लेना चाहिए कि जैसे आप देख सकते हैं इस चार्ट के अंदर इन्होंने पहले दिखाया है मैन, साइंटिफिक ने होमो सैपियंस है ना, और फैमिली है होमिनिडी, ऑर्डर है प्राइमेटा, क्लास ममेलिया, फाइलम कॉर्डेटा। आप इसको हाउस फ्लाई को देखें साइंटिफिक मस्का डोमेस्टिका है ना, फैमिली इसकी म्यूसिडी है, ऑर्डर डिप्टेरा है, क्लास इंसेक्टा है और फाइलम आर्थ्रोपोडा। इधर मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम, और फैमिली एनाकार्डियेसी है, ऑर्डर सेपेंडेल्स है, क्लास डाइकोटिलेडनी और फाइलम एंजियोस्पर्म। वीट ट्राइटिकम एस्टिवम साइंटिफिक नेम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकोटिलेडन और फाइलम एंजियोस्पर्म। ठीक है तो ये चार्ट आपको बिना देखे याद कर लेना। इसमें जैसे कि फाइलम तो आप बता ही देंगे, जैसे कि अगर मैन है तो कॉर्डेटा में ही जाएगा, हाउस फ्लाई है इंसेक्ट है तो आर्थ्रोपोडा में जाएगा, मैंगो है एंजियोस्पर्म ही है, वीट है ये भी एंजियोस्पर्म है, मैन क्लास ममेलिया में आएगा और हाउस फ्लाई इंसेक्टा में आएगा, मैंगो डाइकॉट है, वीट मोनोकॉट है। मेन जो आपको याद करना है वो इनकी फैमिली और इनके ऑर्डर याद करने। जैसे मैन का जो ऑर्डर है वो प्राइमेटा है, और हाउस फ्लाई का ऑर्डर है डिप्टेरा है ना, मैंगो का ऑर्डर है सेपिंडेल्स, और वीट का ऑर्डर है पोएल्स है ना। क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि कौन से ऐसा टैक्सन है जिसके लास्ट में सफिक्स जो है एल्स आता है, आप बोल देंगे एल्स आता है ऑर्डर में। ठीक है ना, इसके अलावा जैसे कि इन्होंने यहाँ पर फैमिली बताई, मैन ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं फैमिली होमिनिडी में, होमिनिडी में, और हाउस फ्लाई आते हैं म्यूसिडी के अंदर, मैंगो एनाकार्डियेसी और वीट पोएसी। तो वो ये सवाल भी पूछ चुका है नीट एग्जाम में और आपसे सेशनल में पूछा जा सकता है, सफिक्स IDAE और CEA कौन से टैक्सन में आता है, तो आप आंसर लगा देंगे फैमिली। ठीक है, आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा रटने वाला है, थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, आसान सा चैप्टर है, एक बार आप रीडिंग लगाइएगा इसकी, जो बात ना समझ में आए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन कमेंट करके मालूम कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।